ओनलर, ओनलर। हाँ भाई बोलो। मेरा जॉब इंटरव्यू का रिप्लाई आया है, परसों बुलाया है। हाय, तुम ये सब क्यों कर रहा है? मैंने बोला ना मैं मैनेज कर लेगा। हम लोग इसके बारे में कितना बात किया है, बच्चा लोग के आने के बाद खर्चा कितना भर गया घर का। अगर मैं जॉब ले लेगा तो हेल्प ही करेगा ना। तो मैं दूसरा टीम को कोचिंग देने का बात कर रहा है। अरे मैं अंदर जाओ। तो तुम समझ नहीं रहे, अगर हम दोनों बाहर जाएगा तो बच्चा लोग को कौन संभालेगा? पहले नौकरी मिलने तो दो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ना। वैसे भी इमा बोला कि वो है पूरा दिन यहाँ रहेगा और तेरा अपा दूसरा इमा ले आएगा। अंदर जा। आज पानी थोड़ा ठंडा था क्या? ये लीजिए मैडम। थैंक यू सर। आप यहाँ साइन कर दीजिए और उसके बाद आपको उस काउंटर से मालूम पड़ेगा कि आपको यूनिफॉर्म कहाँ से मिलेगी। ठीक है। ये क्या है? हबलदार? एक तीन टाइम वर्ल्ड चैंपियन को तुमको हबलदार का नौकरी देते हुए शर्म नहीं आया? अरे मैडम आप खामा खा नाराज हो रही हैं। अगर नौकरी पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए ले आइए, यहीं बैठे बैठे प्रमोशन कर देंगे आपकी। मैं नौकरी लेने आया है, खरीदने नहीं। ओ मैडम, ये घमंड से पेट नहीं भरता है, और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है, साला भलाई का जमाना ही नहीं रहा। क्या बोला तू? क्या बोला तू? भलाई करेगा मेरे पे? भलाई करेगा मेरे पे? जब तक तुम जैसा लोग इस कुर्सी पे बैठा किसी का भलाई नहीं हो सकता। प्लेयर लोग को अपना पेट भरने के लिए अपना मेडल बेचना पड़ता है, पता तेरे को? और तू पैसा मांगता है? पहले मेडल के लिए अपना जिंदगी दांव पे लगा, फिर जिंदगी के लिए अपना मेडल दांव पे लगा। नहीं चाहिए तेरा जॉब। क्या कर रही है मैडम? नौकरी नहीं चाहिए तो भाई मांगते क्यों हैं? तो भाई मैं सोच रहा था कि तुम हवलदार का यूनिफॉर्म में कैसा लगेगा। इसके बारे में बात मत करो मेरे से। मैं मजाक कर रहा था, तुम बुराई मान जाता। ये मजाक लग रहा तुमको? तो भाई तुम ठीक हो ना? हबलदार। ओके बेटा, प्रॉमिस करो तुम एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएगा तभी मैं तुमको बॉक्सिंग में डाल दूंगा और तुम्हारे लिए नया ग्लव्स भी लाके दे दूंगा। ठीक है, इसको मेरी कॉम के जैसा बनना है। इसे मालूम नहीं है बॉक्सिंग ग्लव डालना इजी है लेकिन खेलना इतना इजी नहीं है। इजी तो नहीं है लेकिन अगर तुम मेहनत करेगा तो मेरी कॉम से भी अच्छा बन जाएगा। नत्रु, लगता है ये आंटी मेरी कॉम को जानती है। अगर तुम अच्छा मार्क से पास हो जाएगा तो आंटी तेरे लिए मेरी कॉम का ऑटोग्राफ ला के दे देगा। किताब दो अपने। आपके पास पेन है? दुनिया बॉक्सर मेरी कॉम को भूल गया और अब सब खत्म हो गया। किसने बोला तुम्हें? क्या मतलब? मतलब तुम फिर से बॉक्सिंग क्यों नहीं कर सकता? ओनलर, मैं फिर से बॉक्सिंग कैसे कर सकता है? ऐसा किसी ने कभी नहीं किया है। थोए, एक चावल उगाने वाला किसान का बेटी, मणिपुर का छोटा सा गांव से निकलकर सारा प्रॉब्लम से लड़कर 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनता है, ये भी तो आज तक किसी ने नहीं किया। तुमने तो बच्चे का मां नहीं था, तुमको पता है एक औरत का बॉडी कितना चेंज होता है प्रेगनेंसी के बाद। तुम ठीक बोल रहे थे, थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं ये भी जानता है कि दुनिया में अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। और बच्चा लोग? उनका जिम्मेदारी मेरा। और तुम्हारा फुटबॉल? उसका टाइमिंग एडजस्ट हो जाएगा। थोए, तुम इन सब के बारे में सोचना बंद करो, अपने बारे में सोचो। थोए, उठो थोए। प्लीज थोड़ा देर और। थोए उठो, हाँ कर लो, हाँ कर, उठो, ट्रेनिंग का टाइम हो गया। Thank you.
ओनलर ओनलर अपने स्वीटनेस थोड़ा कम करो नहीं तो मेरे को डायबिटीज हो जाएगा डायबिटीज आई लव यू टू थैंक यू ओनलर आज प्रैक्टिस से पहले तुमको कुछ खाना पड़ेगा जल्दी आओ थैंक यू ये तुम्हारा कॉफी और ये नहीं 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 अब से मैं ट्रेनिंग कर रहा है सिर्फ शुगर फ्री चलो लाए लाए वेट वेट ये दूध पियो प्रैक्टिस प्रैक्टिस उनको मैं संभाल लेगा थॉय अरे आवाज से उठ गया अरे फिर से रुको रुको अच्छा बाबा हाय बाबा तुमको एसडीआई ही जाना पड़ेगा वहीं पर तुम्हारा प्रॉपर ट्रेनिंग हो सकता है या नहीं लेकिन खुद सर एक ना एक दिन तो उनको फेस करना ही है ना तो अभी क्यों नहीं बच्चे कैसे रह गए वेलकम बैक हाय कैसे तू हाय हाय कैसे कोचर किधर गए हाय कोचर खड़ा कोचर घाट ले सीखा तो नहीं आने का कल से चिल्लाया तुम पर नहीं लेकिन लग रहा था कि मेरे पे चिल्ला रहा है तुम पर ही चिल्लाया होगा पुराना आदत जो ठहरा थैंक यू ओनलर एडेक्स लगाने के लिए कितना आराम मिल रहा है पता नहीं मैं पहले कैसे ट्रेनिंग करता था पूरा बॉडी दर्द हो रहा है आजकल ये क्या पढ़ कर देखो सारा दर्द 2 सेकंड में भाग जाएगा जब तुमने ट्रेनिंग स्टार्ट की नेशनल चैंपियनशिप गेट रेडी आ रहा है मैरीकॉम 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 ज्यादा एक्साइट होने का जरूरत नहीं है कितना दिन का छुट्टी चाहिए 2 दिन का चलो ये लो थैंक यू सर जाओ